प्यार दोस्तों, जय माता दी। तो आज है अष्टमी, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी घर क्लीन कर रही हूँ। तो सोफ़े हमेशा बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं सोफ़े पे, तो ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, इससे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं सोफ़े। और इधर मैंने सोफ़ा अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़ी डस्टिंग कर लूँगी साथ में। डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग भी हो जाती है, थोड़ा धूल मिट्टी जमी जाती है कहीं ना कहीं पे। तो ये टीवी ट्रॉली है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और दूसरी साइड टेबल रखा है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आर्याना को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है, उसका स्कूल भी है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी उसे रेडी करके फिर मैं अपना डस्टिंग शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा ये प्लांट है बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। ये देखो कितना बड़ा हो गया है, इसकी पूरी की पूरी ये शाखाएँ पूरा फैल गई हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा लुक देता है। और अब मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे अपना अष्टमी का हलवा बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच देसी घी ऐड किया है। देसी घी डालने के बाद मैं पहले इसमें अपने जो काजू बादाम हैं इनको भून लूँगी थोड़ा सा। काजू बादाम भूनने के बाद मैं किशमिश ऐड करूँगी, किशमिश को अलग से भूनूँगी। अगर साथ में भूनते तो किशमिश जलने का डर था, तो इसलिए किशमिश को अलग से भून लूँगी। और अष्टमी वाले दिन तो बड़ा ही अच्छा लगता है, कढ़ाई करते हैं और चने बनाते हैं और पूरी, तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिव सा लगता है। तो इधर मैंने किशमिश भी ऐड कर ली है। अब मैं इसी घी में अपनी आधा कप मैंने सूजी का लिया है, वो ऐड कर दूंगी। सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद, थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं 1/2 चम्मच बेसन ऐड कर दूंगी। और सूजी और बेसन को मिक्स करके अच्छे से मैंने भून लिया और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, मैंने पानी नहीं डाला है, दूध डाला है। तो 1.5 कप मैं इसमें दूध में हलवे में दूध डाल दूंगी। ये मेरी मम्मी ने बताया था, मेरी मम्मी कभी हलवा बनाती हैं तो हलवे में पानी की जगह दूध ऐड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम ही क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है खाने में। और हलवा सच में बहुत टेस्टी बना था। और 1/2 कप मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। और ये जो काजू बादाम और किशमिश मैंने रोस्ट किए थे इनको भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। और दूसरी साइड में थोड़ा सा केसर पानी में डाल के रख दिया था, वो भी ऐड कर दिया है। बस अब इसको मिला दूंगी और देखिए मेरा हलवा कितना अच्छा बना है, हलवा इधर बन गया है। अब मैंने यहाँ पे चने उबाल लिए थे, तो इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, इन सबको मैंने मिला दिया है। तो ये मैंने अपना चने का मसाला तैयार कर लिया है और ये मैंने चने बॉईल किए हुए हैं, तो मैं इसे कुकर में ही बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल दूँगी, अभी जो मसाला तैयार किया था ये डाल देंगे ताकि ये जले ना, इसलिए मैंने इसे 2 चम्मच पानी ऐड करी थी। और अब इसमें हम अपने चने ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से अपने। बस अब इसको मैं मिला दूंगी और अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर। थोड़ी सी मैंने मिर्च भी डाल दी काट के थोड़ा टेस्ट के लिए। और कुकर का ढक्कन अब मैं इस पर लगा दूंगी, विसल नहीं लगवाऊंगी, बस लो से मीडियम गैस पे इसको थोड़ा पकने दूंगी, 7 से 10 मिनट के लिए पक जाएगा। और इधर मैं पूरियां बना रही हूँ, पूरी तलना शुरू कर दिया है मैंने। मैं थोड़ी पूरियां बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे तलती रहती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो ये देखिए पूरी मैं अपनी तल लूँगी, ये देखिए इस तरीके से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चने के साथ पूरियों का और हलवे का। तो ये देखिए मेरी पूरियाँ भी बन गई हैं, तो ये मेरी थाली तैयार हो गई है और पूरियाँ सारी मैंने बना ली। इधर चने भी बन गए हैं, हलवा भी बन गया। और बाहर का मौसम दिखाऊँ तो बहुत ही प्यारा हो रखा है, अच्छी हल्की हल्की सी बारिश हो रखी है। और देखो पूरा फिर से ग्रीन हो गया है बर्फ़ के बाद, बर्फ़ होती है तो सब एकदम ड्राई ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे मेरे चने भी बन गए हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी। और मेरा बेटा भी उठ गया है, ये देखिए इसको मैंने सुला दिया था, अभी सो के उठा है, तो थोड़ी देर लेना होता है इसको, वरना ही रोता रहता है, थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है। तो अभी खुश हो रहा है बिल्कुल, देख के मज़े आ रहे हैं इसको। तो बस ये मेरे चने भी बन गए हैं, आप इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे और ये मेरी थाली तैयार हो गई है आज की अष्टमी की। तो आप भी बनाइए। और मैंने थोड़ा सा अपने पड़ोसी हैं जो मेरे रशियन फैमिली हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा हलवा, चने और पूरी निकाल दी थी और मैं उनको जाके देकर आ गई थी, तो थोड़ा सा उनके साथ भी मैंने शेयर कर लिया था। तो बस यही था। जय माता दी।